ये भी शिव की आराधना करते हैं। ये पूछ कर टीवी कभी नहीं देखी लाइफ में, देखते रह लिए शुभ होगी, आज अच्छा है, इसमें पूछ नहीं है। ये स्नान महादेव को करने के बाद हमेशा पूजा करने से पहले या जब भी हो ये बिल पत्र बोलता है। एक बिल पत्र से आपके 100 गुना गुण माप होता है। सबसे पहले स्नान कराने के बाद महादेव को अपन जल चढ़ाने से पहले ये चंदन का तिलक लगाया जाएगा महादेव के ऊपर। ये महादेव के ऊपर पहले सिक्का पे चंदन का तिलक लगाया जाएगा, या फिर इसको बिल पत्थर पे ओम नमः शिवाय, ये तीन होता है पंचाक्षर नंबर, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर इसको शिव के ऊपर रखा जाता है। उसके बाद में शिव की पूजा प्रारंभ होती है। जैसे अपन सब बैठ के पूजा करनी चाहे तो ये कॉमन होता है, इसको यहाँ रखा जाएगा, इसको ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद में इसको पात्र को पानी से भरते हुए ये हाथ इस तरह इसमें जल डाल के बोला जाएगा, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय। ये कंटिन्यूटी महादेव के ऊपर जल चलता है और जब तक ये चलता है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पांच पंचाक्षर का नाम लेते हैं आपके सारे पाप नष्ट होते हैं। सावन मास एक ऐसा है सावन का सबसे प्रिय महादेव का है। आप एक बिल पत्र चढ़ाओगे 100 आपके गुण माफ होंगे इसमें सदा शिवाय। पंचाक्षर से बाद इसको वापस स्नान कराया जाता है, फिर वापस तिलक लगा के इसको पुष्प प्रसाद वगैरह सब चढ़ा के फिर महादेव की पूजा सम्पन्न होती है।